हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल दो माई सीम लिटिल बोरिंग एंड ऑफ द ट्रैक टॉपिक टू यू बट इट हैज़ अ ह्यूज कवरेज बड़ी सारी कवरेज है हमारे एग्जामिनेशन में और इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अब सवाल ये उठता है कि इसको पढ़ने का अप्रोच क्या वैसा ही होना चाहिए जैसा हम पूरा लॉ पढ़ते हैं कि बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ ये प्रोविज़न ये प्रोविजन ये प्रोविजन आंसर इज नो राइट right. इसको हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा बिकॉज लॉ में आपको कंसेप्ट ग्रास्प करने होते हैं देन यू आर गिवन सम टाइप ऑफ केस स्टडीज मे बी यू आर गिवन सम डायरेक्ट क्वेश्चन यू आर गिवन सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हो एंड देन यू अटेम्प्ट क्वेश्चन वेरी ईजिली बट कारपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है तो आप प्रोविजन तो नहीं लिख सकते ना प्रोविजन क्या होता है बड़ा सिंपल होता है ऑडिट कमिटी किसको बनानी है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट कमिटी आया तो ऑडिट कमिटी किसको बनानी है हमें पता है कि इन टाइप की कंपनीज़ को बनानी होती है आगे पीछे हमने कोई भी लैंग्वेज लिखी हमने क्रक्स सही लिखा हमको नंबर मिल गए बट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मे बी कॉरपोरेट गवर्नेंस वर्सेज मैनेजमेंट अब क्या लिखे कैसे लिखे राइट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कैसे लिखे उसमें क्या लिखे लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं समझा तो हमने बहुत कुछ है पर क्या उस पर नंबर मिलेंगे दैट इज द क्वेश्चन राइट सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट यू मेक नोट ठीक है तो सबसे पहले आपके पास एक कॉपी रेडी होनी चाहिए जिसमें हम नोटिंग्स करेंगे वी विल लिस्ट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट की ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइन्स ताकि आपसे कभी भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो कि हाँ ये पोर्शन तो मुझे याद करना ही करना है नो मैटर हाउ वेल आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक अफकोर्स फॉर रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लर्निंग बट अगर इस टॉपिक को आप प्रैक्टिकली समझो मनोहर कहानियों को छोड़ दो प्रैक्टिकली समझो तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कुछ नोटिंग्स हो और कुछ याद करो आप इस टॉपिक में ओके सो विद अप्रोच वी विल स्टार्ट आर फर्स्ट क्लास ऑफ द टॉपिक कारपोरेट गवर्नेंस ऑफ कोर्स समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है हमारे पास नोबल की हमारे पास एड्रिन कमेटी हमारे पास नारायण कमेटी बहुत सारी डेफिनेशन भी हैं आर गिवन एंड मे इवन बी आज एन एग्जामिनेशन पर वो डेफिनेशंस बाद में ठीक है वो डेफिनेशन वेफिनेशन सब बाद में पढ़ेंगे हम पहले भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है वो मीन बाय कॉरपोरेट गवर्नेंस से पहले हमारे लिए एक और चीज जरूरी है वो चीज क्या है कि वॉट यू मीन बाय गवर्नेंस एक मिनट एंड इट्स टू एक्सप्लेन यू राइट थोड़ा सा हुँ. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट और लेट्स स्टार्ट द नोटिंग ठीक है हम अपनी नोटिंग शुरू करते हैं यू कैन यूज टू पेन्स और आप एक काम कर सकते हो कि आप दो पेन यूज करो सबसे बेस्ट है एक पेन जो हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए यूज करते हैं जो आप अभी तक करते आ रहे हो कि वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग कुछ कुछ पोर्शन आप रफ कॉपी नोट्स बनाते हो ना तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक पे सिर्फ रफ कॉपी नोट्स नहीं चलेंगे थोड़े से फेयर नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए तो एक आपके आप ऐसे नॉर्मल नोटिंग करोगे और एक जो क्रिस्प पॉइंट्स में लिखवाऊंगी वो आप नोटिंग करोगे तो ये नॉर्मल नोटिंग है पहले हमारी नॉर्मल नोटिंग में मैम क्या है The term here is governance. Governance का मतलब होता है how to direct and control. किसको हम डायरेक्ट या कंट्रोल कर रहे हैं कॉरपोरेट्स को सो वी आर ट्राइंग टू डायरेक्ट द कॉरपोरेट्स मैम एक बात बताऊ मतलब आप कहना चाह रहे हो एकदम ग्राउंड लेवल की बात समझे तो आप कहना चाह रहे हो कि मैंने कंपनी खोली कंपनी इज द कॉर्पोरेट है ना ठीक बात है बॉडी कॉर्पोरेट वास्ट टर्म है कंपनी छोटा टर्म है हम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं तो हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो मैंने एक कंपनी खोली और आप बोल रहे हो कि कंपनी को कैसे डायरेक्ट करना है कंपनी को कैसे कंट्रोल करना है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रियली आई I मीन mean, would someone else tell मी हाउ डू आई डायरेक्ट my कंपनी आई हैव ओपन my कंपनी आई नो हाउ टू डू बिजनेस मुझे जैसे करना है मैं वैसे काम करूंगी कोई मुझे क्यों बताएगा कि कंपनी को ऐसे चलाओ या वैसे चलाओ ठीक बात है आपकी अगर हम बात करें गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स ये चलाता कौन है कौन चलाता है देखो मैं इस तरीके से समझाऊंगी ना कि सीधे दिमाग में जाके हिट करेगा आपको पॉइंट ठीक है फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में कि इतना फैंसी टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस भारी सा है क्या बड़ा सिंपल सा टर्म है कॉर्पोरेट गवर्नेंस गवर्नेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स कंपनी को चलाना है कॉर्पोरेट्स को चलाना है कैसे चलाना है कौन चलाता है पहले ये तो समझे भाई ठीक है कौन चलाता है अगर मैं बोलूं तो हमारे पास एक प्रजाति होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट एंड इन अदर कैटेगरी ऑफ पीपल हुई है प्रोमोटर्स कंपनी को बनाते हैं और प्रोमोटर्स जब कंपनी को बनाते हैं तो उसके बाद हो सकता है वो खुद ही डायरेक्टर बन जाए खुद ही शेयर होल्डर बन जाए है ना वो खुद ही बोले कि हम पैसा भी लगा रहे हैं तो हम शेयर होल्डर बन गए हमने शेयर दे दिए और हम ही अपने आप को इलेक्ट करते हैं कि हम ही इस कंपनी को चलाएंगे डायरेक्ट करेंगे राइट मैनेज करेंगे सो वी विल बी बोर्ड वी विल बी द डायरेक्टर्स ऑल्सो तो ऐसा भी हो सकता है किसी और बंदे को भी हम हायर कर सकते हैं एक टर्म निकल के आता है यहाँ पे मैनेजमेंट अभी हम मैनेजमेंट को भी कंपेयर करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कि क्या वो दोनों सेम है देखते हैं ठीक है तो हमारे हम अगर बोले कि कौन डायरेक्ट या कंट्रोल करता है तो वी कैन से वी हैव हाँ दीज टू कैटेगरी ऑफ पीपल है ना शेयर होल्डर्स डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते हैं नो no, डायरेक्ट control rather ye kya karte हैं? They appoint, they appoint the directors. They also appoint the auditors, right? To direct the company. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, they are mainly responsible. ये सब कुछ भी आपको याद नहीं करना है ओके दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंपनीज समझ में आई बात ठीक है अब मेरी बात सुनो मेरे घर में मान लो मेरा घर है मैं अपना घर चला रही हूं ठीक है आई एम गवर्निंग माई हाउस राइट मेरे घर में क्या होगा ये मुझे कौन बताएगा मेरे घर में अगर मैं हैरान की लेके चलू डोंट हैव एनी वन एल्डर एट होम आई हैव बट मान लेते हैं कि नहीं है कोई ठीक है तो मतलब मैं हुई और उसके बाद अगली जनरेशन हुई और मे बी सपोर्टिंग हेल्पर्स राइट तो वो हमारी पूरी फैमिली हो गई है ना तो अब उस फैमिली में क्या होगा ये कौन बताएगा हम आप ही बताएंगे आपके आगे कौन सुन सकता है चलो ठीक है मैं बताऊंगी वो हेल्पर या वो बच्चे तो मुझे नहीं बताएंगे अगर कुछ हेल्पर का मन कर रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए तो क्या वो कर लेंगे इज़ नो आप डायरेक्शन जो दोगे सही या गलत हम तो उसको फॉलो बाकी लोग तो उसको फॉलो करेंगे दैट मीन्स दैट मीन्स वी कम टू आर फर्स्ट लाइन कुछ गोल्डन लाइंस में लिखवाती जाऊंगी और वो लिखते जाना वो आपको ध्यान में होना ही होना चाहिए कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट गवर्नेंस एक और आपकी हेडिंग होनी चाहिए एंड uh, पहली लाइन में लिखवा रही हूं इट नॉर्मली एप्लाइज एट टॉप लेवल ठीक है बस ये लिख के वापस आते हैं बहुत कुछ समझना है भाई इट नॉर्मली अप्लाइज दैट टॉप लेवल ठीक है मतलब इतना समझ में आ गया मैम आप जो कहोगे वो होगा मतलब कंपनी में अगर हम बात कर रहे हैं कि टॉप लेवल पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना उसके बाद बिलो बोर्ड आते हैं उसके बाद और नीचे के सबॉर्डिनेट्स आते हैं इंप्लॉइज आते हैं वर्कर्स आते हैं जो भी आते हैं ऐसे हमारी हिरान होती है कंपनी में तो टॉप लेवल पे तो बोर्ड ही आता है तो मतलब बोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है बिकॉज दे आर मेनली फॉर गवर्नेंस ऑफ कंपनीज जैसा डायरेक्शन देंगे वैसे पूरी की पूरी कंपनी चलेगी ठीक है मैम बात तो ठीक है मतलब बोर्ड क्या कुछ पॉलिसीज बनाता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं राइट बोर्ड अपने हिसाब से कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसा होता है और वैसा काम होगा बिल्कुल होगा क्या उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं रुको यार इतनी जल्दी कंक्लूजन पे क्यों आना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मान लो एक कंपनी है ठीक है और एक काम करते हैं एक मैं आपको ना जबरदस्त वीडियो दिखाती हूं और उसके बाद हम ये डिस्कशन करेंगे ना तो थोड़ा और मजा आएगा बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा हमारा बनी का वीडियो देखो बदमाश कंपनी लिमिटेड इज इनवाइटिंग पीपल टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स कम वन कम ऑल I want to invest my money. Me too. Hey dude, I also want. Sir, so we have collected lot of money. Hey auditor. Hey, why do you look upset? Can we do something to hide this loss? We can definitely manipulate accounts. भी मैंने आपको नहीं बताया है, सिर्फ एक आइडिया दिया है इस एग्जाम्पल को अपने मन में एकदम छपा के रखना और हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसके बाद विल डिस्कस कि क्या हुआ एक्चुअली इस वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया है बिकॉज आई वॉन्टेड यू ऑल्सो टू थिंक इन दैट परसपेक्टिव इसलिए पहले मैंने वीडियो दिखाया है देखो एक कंपनी है जिसमें मैं एज अ न्यू एम्प्लॉई नई नई प्रोफेशनल बनी मेरा एकदम मल्टी नेशनल कंपनी में ऐसे जॉब सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पहुंची मैं वहाँ पहुंची हूँ आई एम बींग वेलकम्ड बाई द एच आर टीम आई हैव अ फुल गुडी बैग ओवर यर ऑन माई डेस्क कि हाँ ये आपके लिए ये वेलकम किट आपके लिए है ऐसा है वैसा है हम बडी लंच ये वो सब करते हैं कि यहाँ आपको लेके जाया जा रहा है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है आई फील सो इलेटेड वाह वॉट अ वर्क कल्चर क्या इन्वायरमेंट है इवन इफ आई एम जस्ट वॉकिंग अप टू द वॉशरूम एंड आई फाइंड इट प्रॉपर हाइजीन नीट तो मुझे लगेगा हाँ यार चलो अपनी लाइफ तो सॉर्टेड है वहां कॉफी मशीन बढ़िया सी लगी हुई है चिल करेंगे है ना एट द सेम टाइम इफ आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन भाई मैंने अपनी सब ईमानदारी से काम किया है दिस एनवायरमेंट एड्स टू माई एफिशियंसी हाँ या ना मैं चाहूंगी कि नहीं यहां पे काम करना या मैं छोड़ूंगी अरे यार, यार यहां से तो भागो अब मैं तुरंत इंटरव्यू दूसरा शेड्यूल करने की कोशिश करूंगी कि यार और कंपनीज में देखते हैं यहां पे तो अपना गुजारा नहीं हो पाएगा क्या मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आएगा इज नो no. है ना दूसरी सिचुएशन समझते हैं मैं वही हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल और मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ मैं उस कंपनी में पहुंची आई एम स्ट्रगलिंग लाइक मैं एस बी आई में पहुंच हूं, यहां से वहां वहां से, वहां से से इस काउंटर उस काउंटर पे हम इधर उधर इधर उधर ही करते चले जा रहे हैं ओ मैडम उधर जाइए ओ मैडम उधर जाइए आई एम ट्राइंग टू टेल कि मैं नहीं ज्वाइन मेरे को बता दो मेरे को बैठना कहा है अच्छा आपको बैठना है रुको रुको डेस्क आपके लिए कुछ बनवाते हैं तो मुझे

जो हमारा इनकॉग्नेटो मोड होता है उसको ओपन करके वो क्या करेगा दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा ये करेंगे बिकॉज वी नॉट विद जॉब और एक नेगेटिव पब्लिसिटी हम बाहर करेंगे भाई उस कंपनी को तो कभी ज्वाइन मत करना अरे इतना बुरा हाल है वहां का तो पहले दिन जाओ तो क्यों क्योंकि अभी हमारी नई नई उम्मीदें थी अभी हमने दर दर की ठोकरे नहीं खाई हुई है है ना तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी विच विच यू आर अनबल टू मीट तो सबसे पहली बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंपनीज दिस गवर्नेंस कैन बी दिस गवर्नेंस कैन बी गुड और इट कैन बी बैड ऑल सो एग्जाम्पल मिसट्रीटमेंट ऑफ एंप्लॉयज example sorry. example cheating or lack of transparency to shareholders,

तीन गोल्डन वर्ड्स यहां लिख रही हूं मैं शायद कुछ लोगों की जिंदगी में ये गोल्डन वर्ड्स बिल्कुल भी ना हो फैट फैटी इट्स नॉट अबाउट दैट फैटी और दैट फैट नो वी आर टॉकिंग अबाउट फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ये तीन गोल्डन वर्ड्स होते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इफ यू रन योर कंपनी ऑन द टेन ऑफ फेयरनेस Accountability and transparency, that is what you are managing the company in a fair way. fair tarike se company manage kar That means you can govern the company, your governance can be good, your governance can be bad also. Agar aapki governance achi hai, to undoubtedly the employees will be attracted to you.

अच्छी इमेज डेवलप होगी गुड इमेज तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि ब्रांड रेप्यूटेशन जो होती है ना रेपुटेशन डेवलप होगी और भाई फाइनेंस बढ़ेंगे finances बढ़ेंगे और इससे ट्रस्ट बढ़ता है ट्रस्ट इन द कंपनी तो ज्यादा हमको बैंक वाले भी पैसा देंगे शेयर होल्डर्स भी पैसा देंगे तो हम ग्रो करेंगे तो अच्छी हमारी ग्रोथ होती है तो कितना कुछ हो रहा है अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है बेनिफिट्स वेनिफिट ही तो हम बस अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके कुछ भी लिखते जा रहे हैं इतनी कॉमन सेंस होती है हमारे पास एग्जामिनेशन में नहीं चलती ना हाँ कि ना ऐसा होगा कि नहीं होगा पक्का होगा मैम हंड्रेड परसेंट होगा ही होगा ठीक है सो आई कंक्लूड एन लाइन ओवर योर कॉरपोरेट गवर्नेंस इज नॉट अबाउट अचीविंग एनी रिजल्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये मतलब नहीं है कि ये करो वो करो वो करो बट इट्स प्योर मेथड ऑफ मैनेजिंग अ कंपनी मैनेजिंग अ कंपनी मैनेजिंग अ कॉर्पोरेट ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस में लिखवा रही हूँ अभी आपको इसकी अहमियत नहीं समझ में आएगी जब लास्ट में हम क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे ना तब समझ में आएगी और मैम ये तो आपने जबरदस्त लिखवा दिया है चलो कमिंग बैक ठीक है इतनी चीज क्लियर है क्लियर है मैम बिल्कुल ठीक है मैम एक बात बताइए मेरी कंपनी है मैंने कंपनी खोली और मुझे लगता है मैं एकदम ना बचपन से मैंने अपनी फैमिली में देखा है अ लॉट ऑफ एफेक्शन लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स हु एवर कम्स टू हेल्प यू तो हमें आदत है कि हम उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं सो वट एवर एम्प्लॉइज आर देर वी ट्राई टू प्रोवाइड देम अ गुड वर्किंग एनवायरमेंट ये मेरी एथिकल वैल्यूज है और उसी के हिसाब से मैं अपनी कंपनी चला रही हूं बहुत अच्छी बात है कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी भर भर के एथिकल वैल्यूज भरी हुई है बट आज के जमाने में ऐसे लोग दस परसेंट भी नहीं होंगे दस परसेंट भी नहीं होंगे भाई एथिक्स तो सबके अंदर भर भर के होते ही होते हैं एथिक्स का पता तब चलता है जब आप प्लेट में एक गड्डी रख दो हजार की तब आपको पता चलेगा कौन वो गड्डी उठा उठाता है और कौन नहीं उठाता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग समथिंग लाइक दैट इट्स इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग एन एनवायरमेंट जहां पे आप हल्का सा हल्का सा ऑफ द ट्रैक जाके यू कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट्स यू कैन मेक ह्यूज मनी तब आपके एथिकल वैल्यूज निकल के बाहर आते हैं तो बहुत कम लोग आज के डेट में ऐसे रह गए हैं जिनके एथिक्स आज भी बरकरार हैं ठीक है अब मान लेते हैं हमने जो एक एग्जाम्पल देखा कि बनी है भाई बनी ने लोगों को अट्रैक्ट करके पैसे उठाए अब बनी डर गया बनी ने देखा इतना भारी नुकसान हुआ है अगर मैं ये नुकसान के बारे में अपने शेयर होल्डर्स को बता दूंगा अपने इन्वेस्टर्स को बता दूंगा तो ये लोग तो क्या करेंगे एकदम पैनिक कर जाएंगे मेरी कंपनी के शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे लोग डी इन्वेस्ट करना चाहेंगे दे विल नॉट कीप फेथ इन मी एंड आर बिजनेस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय तो ऐसी सिचुएशन में करे तो करे क्या तो बनी ने क्या किया बनी ने मैनिपुलेशन का सहारा लिया एक्चुअली चीटेड द शेयर होल्डर्स इन्हीं को profits, accounts, right. तो हम स्कैम्स बोलते हैं इनफ्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ ऑडिटर चीटिंग का भरोसा चीटिंग का सहारा लिया एंड शेयर होल्डर्स को गलत इंफॉर्मेशन देके खुश कर दिया भाई तो ये शेयर होल्डर्स की खुशी जो है ना वो टेम्पररी होती हैरी होती है वो उस समय तो लगता है कि हम बड़े खुश हैं बट एक्चुअली लॉन्ग रन में हो रहा है हमारे साथ धोखा ऐसे रिलेशनशिप्स में भी होता है ना पता चला कि एक लड़का है भाई शादी के बच्चों के सपने देख रहा है और बाद में उसको पता चला ये सपने तो अगली दस को दिखा रही है तो बाद में दिल टूट जाता है ना हार्ट ब्रेक होता है वैसे शेयर होल्डर्स का भी क्या होता है दिल टूट जाएगा तो ये क्या सही हुआ द आंसर इज नो कंपनी क्या ऐसे लॉन्ग रन में ग्रो कर सकती है द आंसर इज अगेन नो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है तो किसी कंपनी में एथिकल वैल्यूज़ यहाँ की जो बोर्ड है उनमें नहीं है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डायरेक्टिंग टॉप लेवल है ना तो कहीं है कहीं नहीं है बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी मैम जहां नहीं है ना जहां नहीं है एथिकल वैल्यूज वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे वो ज्यादा शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे क्यों क्योंकि वो दिखाएंगे हमारी कंपनी में दो करोड़ का प्रॉफिट और जो सच्चा सीधा इंसान है वो दिखा रहा है नहीं देखो दस लाख का प्रॉफिट हुआ है बट प्रॉफिट यहां हुआ है यहां तो दो करोड़ का लॉस था यार तो लोगों के साथ भी गलत हो जाता है लोग भी कंपैरिजन ठीक से नहीं कर पाते हैं लोगों का पैसा डूबता है कंपनीज में स्कैम्स होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गवर्न अ कंपनी इन एन एथिकल मैनर नॉट ऑन आर सो कॉल्ड एथिक्स हमारे एथिक्स कुछ बदल सकते हैं आज ये है कल वो हो गया कलिमान डोल गया ऐसा हुआ वैसा हुआ हमारे एथिक्स हर दिन बदलते हैं उसके बेसिस पे हम कंपनी नहीं चला सकते हैं कंपनी हैज टू बी गवर्न ऑन समिंसिपल्स That principles should be ethical. That principles should be to promote fairness, transparency, and accountability. Those principles imbibe through legal regulations. That is known as corporate governance. Corporate governance is something which provides uniformity in governing all types of corporates. कि हर किसी को ऐसे काम करना चाहिए ऐसे काम करना है ऐसे अपनी कंपनी को चलाना है कंपनीज एक्ट भी बताती है कि कंपनी को ऐसे चलाओ नहीं तो आपकी कंपनी है आप जो मर्जी वैसे डिसीजन लीजिए पर कंपनीज एक्ट आपको बताती है कि कम से कम सेवेंटी फाइव परसेंट लोगों की ये आप सहमति लो तब आप ये काम करो माइनॉरिटी को आप ऑपरेस नहीं कर सकते ये नियम बना हुआ है सो कंपनीज एक्ट एट वेरियस प्लेसेस टेल्स यू हाउ टू गवर्न कंपनी। ऑन द पैरामीटर्स ऑफ फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये तीन गोल्डन वर्ड्स हैं। यूजुअली हम लाइफ में बोलते हैं ना गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड बट आई एम रिपीटिंग इट इन नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी हमारी ना हम जो प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं ना उसमें हमारा ना पढ़ाई का लेवल ही अलग होता है हमारे गोल्डन वर्ड्स अलग हैं है ना वो वाले गोल्डन वर्ड्स हमारे नहीं होते हैं ठीक है थीके? तो आई होप इतनी चीज क्लियर है राइट नाउ आई एम राइटिंग सर्टन थिंग्स आप लिखोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स अभी हम इसका डिफरेंस भी स्टेब्लिश करेंगे इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम Day to day operational management. Day to day operational management. ठीक है देखो मैं एक बात फिर से बता दूं जस्ट बिकॉज आई एम राइटिंग समथिंग ओवर योर डजेंट मीन दैट इन एनी वे आई एम प्रमोटिंग स्पून फीडिंग मैं ये नोट्स राइटिंग के एब्सोल्यूटली अगेंस्ट रहती हूं वेन यू हैव कम टू द प्रोफेशनल स्टडीज मैं कभी भी आपको नोट्स डिक्टेट नहीं कराना चाहती हूं और ना लिखाना चाहती हूं मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है आई हैव गिवन यू हैंड रिटन नोट्स आई ऑल्सो टेल यू ठीक है ये लिख लो ये नहीं लिखो ठीक है बट अल्टीमेटली ये जो तरीका है ना ऑफ डिक्टेटिंग आई सिंपली क्रिटिसाइज दिस बट आई नो दैट इट्स वेरी मच नीडेड इन दिस टॉपिक नहीं तो आप शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे हाउ टू स्कोर मार्क्स इसलिए मैं यहाँ पे देख रही हूं ठीक है मैं ये बहुत ज्यादा क्लेरिफाई कर रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट की वो ये हैबिट डेवलप करे कि मैम ये वर्ड लिखाओ ना ये वर्ड लिखना है क्या ये वर्ड नहीं लिखना है क्या भाई प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो आप पूरी दुनिया को बताओगे कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है आपको कोई नहीं बताएगा कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए समझ में आई बात चल आगे सीजी इज मोर A way of business life than a mere legal compulsion. But since companies do not follow good governance practices unless mandatory. CG has to be imbibed. मतलब मैम बहुत सारे ऐसे कानून बने होंगे जो हमें बताएंगे कि कंपनी ऐसा करो वैसा करो है ना बिल्कुल सही बात है हमारे पास कंपनीज एक्ट है हमारे पास सेबी लॉज है हमारे पास बहुत सारे जगह जगह अलग अलग और लॉज हैं रेगुलेशंस हैं जो हमें बताते हैं कि ये काम ऐसे करना है वो काम वैसे क्यों करना है बिकॉज मे बी इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी टू द स्टेक होल्डर्स मे बी बिकॉज इट इज फ्यर मे बी बिकॉज इट क्रिएट्स एन अकाउंटेबिलिटी ठीक है मे बी बिकॉज इट इज एथिकल इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऐसा नहीं है कि लीगल कंपल्शन डाला जा रहा है कंपनी पे तो कंपनी का इसमें कोई भला नहीं हो रहा है कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन बढ़ गया कि अच्छा अब ये काम भी ऐसे करो नहीं कंपनी का उससे बहुत कुछ भला होगा जैसे हमने ऊपर स्टैब्लिश किया था कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से कंपनी का भी भला होता है तो इट शुड बी अ ग्रेट बिजनेस लाइफ मतलब आपको अपना बिजनेस ऐसे ही चलाना चाहिए बट बिकॉज कंपनीज़ ऐसा करती नहीं है हर कंपनी अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करती है इसलिए इसको मैंडेटरी किया गया है धीरे 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 ये इवॉल्व हुई है बहुत पहले कभी नीड ही नहीं फील हुई थी अबाउट द कॉरपोरेट गवर्नेंस ऑल्दो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में हर काम एथिकल वैल्यूज के बेस पे ही होता है तो होता है बट आई वुड से कि इट वॉज एंट देर एज अ यूनिफॉर्म वन इन ऑल द कंपनी तो हर जगह यूनिफॉर्मिटी नहीं थी ठीक है चलो नाउ देखो डिफरेंस में चार पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं एथिक्स और कॉरपोरेट गवर्नेंस के डिफरेंस में एंड देन व्हेन वी कम टू एथिक्स सॉरी कॉरपोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट के डिफरेंस में इसमें भी हमको अच्छे से पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड इन्हीं पॉइंट के हिसाब से इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे बिकॉज देर कैन बी इन नंबर ऑफ डिफरेंसेज बट इन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे हम डिफरेंसेस को स्टैब्लिश करेंगे सबसे पहले जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना एथिक्स क्या होता है समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू अस हमें लगता है कि कोई भी काम अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें लगता है ये काम सही है ये काम गलत है है ना हो सकता है अगले दिन आपको लगे नहीं नहीं ये काम तो सही है जो हमें गलत लग रहा था पहले मे बी वो अब हमको सही लग रहा है राइट right, एक मिनट यार कहाँ है ना तो इट कैन चेंज एंड इट इज़ समथिंग दैट इमर्जेस नेचुरली विद इन आस है ना पर कॉरपोरेट गवर्नेंस या गवर्नेंस प्रैक्टिसज ऐसी नहीं होती है कॉरपोरेट गवर्नेंस इज समथिंग विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम एथिकल प्रैक्टिस दैट द बिजनेस शुड डू बिजनेस में होनी चाहिए एथिकल प्रैक्टिस बिजनेस में होना चाहिए फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और उसके बेसिस पे अभी फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी पर भी इलाबोरेट करके हम समझेंगे बट एज एन वेन टॉपिक कम्स अननेसरली दो घंटे चार घंटे कारपोरेट गवर्नेंस पर बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है अल्टीमेटली यू नो वॉट कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड आई हैव गिवन यू वेरी बेसिक एंड ब्यूटिफुल आइडिया कि हाँ ऐसा होता है अब हमको उन्ही एंगल्स पर पढ़ना है जो हमारे करिकुलम का पार्ट है बिकॉज कॉरपोरेट गवर्नेंस एक बहुत ह्यूज टॉपिक है इट रिलेट्स टू सो 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 मेनी एस्पेक्ट्स और उसको पढ़ते जाएंगे तो पता नहीं कहाँ कितना हम गहरे चलते चले जाएंगे ठीक तो we'll <coughs> है तो विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स इट इमर्जेस एथिक्स नेचुरली आता है गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एथिकल वैल्यूज बट देयर समथिंग व्हिच हैव टू बी व्हिच आर लेड डाउन हमें बोला गया है कंपनीज एक्ट का यह पार्ट फॉलो करो क्या है वो दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज एक्ट में एक जबरदस्त चीज आती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट अवे कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप क्या कर रहे हो उसमें किसके लिए सोसाइटी के प्रति हम कुछ भला कर रहे हैं राइट वेन वी से अबाउट बोर्ड रिपोर्ट इट्स अबाउट डिस्क्लोजर वेन वी से हमारे जो डायरेक्टर्स हैं अगर हमारे पैनल में अगर हमारी कंपनी में पांच डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए जो अनबायस्ड हो जिनको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोलते हैं राइट वट इज इट इफ वी डोंट नो द रिक्वायरमेंट हम ये कॉरपोरेट गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे वी विल नॉट बी एबल टू गवर्न आवर कंपनी इन अ मैनर विच इज प्रिस्क्राइब थ्रू द रेगुलेशन है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वो सेट ऑफ पॉलिसीज जो एक कंपनी को डायरेक्ट करती हैं ऑन द पैरामीटर्स ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस है ना बट दे हैव बीन लेड डाउन टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज हर कंपनी में होते हैं कुछ कंपनीज की एथिकल वैल्यूज जैसे अगर हम एक जमाने में बात करें तो टाटा इट इज वन सच ग्रुप जो बैक देन ये अपने इम्प्लॉयज का अपने स्टेक होल्डर्स का बहुत कुछ सोचते थे ठीक तो right? so है तो दे हैड एथिकल वैल्यूज एंड हेंस देर गवर्नेंस प्रैक्टिस वो गुड राइट बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सो मेनी कंपनीज जहां पर जरूरत है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज समथिंग जो आपको पढ़ना पड़ता है राइट right? ये वो स्टैब्लिश गाइडलाइंस हैं जो ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई हैं एंड दिस इज समथिंग व्हिच व्हिच कम्स नेचुरली समिंग्रॉम टू परसन बट विल नॉट डिफर राइट दीज विल नॉट डिफर डि येगुलशन आर नॉट इंपॉर्टेंट बट यहां पे रेगुलेशन ही तो सब कुछ है राइट रेगुलेशन आर इंपॉर्टेंट इट नीड स्ट्रिक्ट कंप्लाइंट ठीक है द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल कंसिडर्ड एज फाउंडेशन and एंड द मेथड ऑफ गवर्नेस शुड ethical वो but its methods are important आप कैसे काम करते हो वो ज्यादा important है ठीक है it applies at all levels and it applies at top level बिकॉज वहीं पे कॉर्पोरेट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हमारी डिजाइन होते हैं मैंने आपको लिखवाया भी था तो ये चार points हमें याद रखने हैं आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली दिस दिस टॉपिक इज समथिंग विच might बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बट अगर नदियों की तरह बहना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा आई थिंक आई बिलीव कि आपने शायद ये कभी सुना हो और अगर नहीं सुना है तो उसको मन में अपने बैठा लो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन राइट ये नहीं सोच सकते नहीं मुझे तो ना ये अकाउंट्स पसंद है मुझे तो ना ये कॉस्ट पसंद है मुझे तो जो ये पोर्शन ऑफ टैक्स पसंद है मुझे तो ना, तो तो ना लॉ में मैं ये पोर्शन बहुत इंजॉय करती हूँ मैम ये तो ना अच्छा नहीं लगता ये क्यों अपने माइंड में लाना आप एक टॉपिक के लिए पहले ही नेगेटिविटी लेके आ रहे हो कि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता उसको भी आप अच्छे बिल्कुल नहीं लगोगे फिर सोचो आपका आपका ही बेड़ा होगा उसका तो कुछ नहीं होने वाला टॉपिक का है ना सो वेलकम एवरी टॉपिक विद एन ओपन हार्ट है ना अगर लग रहा है कि यार ये है कोई बात नहीं ये तो और इजी टॉपिक है इसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है सोचो इसमें तो ना प्रोविजन याद करने बस कुछ की को अपने दिमाग में रखना है ताकि हम एक अच्छा ब्यूटिफुल आंसर प्रेजेंट कर पाए अगर एग्जाम में आए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ ब्लेसिंग विच हैज बीन गिवन टू यू बस उस ब्लेसिंग को हम रेकोगनाइज नहीं करते हैं ठीक है सो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन कम्फर्ट जोन डजेंट मीन बस जो हमने अपना थोड़ा सा सोचा है नहीं हर एक जगह हर एक चीज में कंफर्ट जोन होता है ये चीज करना बोलना मुश्किल है दैट इज योर कंफर्ट जोन बोलो राइट ये पढ़ना मुश्किल है दैट इज योर कंफर्ट जोन पढ़ो ओके नेक्स्ट इज इज कॉरपोरेट गवर्नेंस सिमिलर टू मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है नहीं मैनेजमेंट से भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग होता है और बहुत ज्यादा अलग होता है देखो मैनेजमेंट मैंने बताया था ना अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है आप कंपनी को मैनेज कर रहे हो वो अच्छी भी हो सकती है वो बुरी भी हो सकती है मैनेजमेंट क्या करते हैं भाई उन्होंने नियम बनाए वो अच्छे भी हो सकते हैं वो बुरे भी हो सकते हैं right? राइट वो उनका टारगेट क्या होता है कंपनी को ग्रो कराना तो वो अपने टारगेट बेस्ड अप्रोच को लेके चलते कई बार ऐसा होता है कि इसके चलते भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जैसे अगर मैं बात करूं तो मान लो एक बैंक है और एक बैंक ने

तो ये भी कंपनी को मैनेज करने का एक तरीका है क्योंकि मैनेजमेंट कैसे चलती है ऑब्जेक्ट और टारगेट्स पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेथड ऑफ डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइन यू हैव अ टारगेट बट हाउ यू अचीव द टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टारगेट मे बी मिस्ड बट द मेथड शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज आपकी अनएथिकल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए आपके इंप्लॉयज ठीक रहने चाहिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है तो बिजनेस और प्रॉफिट के लिए तो हर कोई काम कर लेता है बट एक प्रॉपर गवर्नेंस के लिए लोग काम नहीं कर पाते हैं ठीक है सो मैनेजमेंट टारगेट बेस्ड होता है इट अप्लाइज एट ऑल लेवल्स इट इमर्जेस विथ सिचुएशन ठीक है जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ठीक है यहाँ पे मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट इट अप्लाइज यूजली एट द टॉप लेवल और बिलो टॉप लेवल ऑल्सो समटाइम्स एंड ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कि क्या है रेगुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट योर और रेगुलेशन आर नॉट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के लिए कोई रेगुलेशन नहीं बताता है ये काम ऐसे करना है वो काम वैसे करना है देन योर रिजल्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेथोडोलॉजी बट योर मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज अ गोल्डन लाइन जो आपको याद रखनी है मैंने आपको लिखवाई भी है ठीक है द डिफरेंसेज आर नॉट मेकिंग यू राइट बिकॉज अन्डाउटली एकदम सामने सामने आपको दिख रहे हैं ठीक है बहुत कुछ अभी हमको और डिस्कस करना है पढ़ना है एंड अभी तो हमने बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आप डेफिनेशन पूछो तो वो भी नहीं uh, पढ़ी है बट नाउ वेन यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया कि जिस्ट क्या है फ्लेवर क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अब सब मक्खन की तरह चलता चला जाएगा ठीक है सो दैट्स इट आई एम रैपिंग अप द फर्स्ट क्लास हियर विथ सेल्फ ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू सम आइडिया कि भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है वो समझ लिया है अब हम एक एक करके अपने टॉपिक्स को रैप अप करेंगे फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव राइट ओके कॉरपोरेट गवर्नेंस पहले भी मैंने आपको बताया है इज़ अवज टॉपिक है ना हर जगह एंड इन फैक्ट इफ़ यू टॉक अबाउट आर डे टू डे लाइफ्स कॉरपोरेट गवर्नेंस ऐसा नहीं है कि कोई नया कंसेप्ट है ऑल दो हमने उसको अडॉप्ट बहुत लेटर लाइफ में किया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बट अगर हम अपने इंडियन रूट्स की बात करें यार तो हर जगह कॉरपोरेट गवर्नेंस था है ना ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें अच्छा करना चाहिए या अच्छा करने के क्या फ़ायदे हैं नहीं कॉरपोरेट गवर्नेंस एक तरीका है आप कैसे अपनी बिजनेस को रन करते हो कॉरपोरेट गवर्नेंस वैसे ही अगर हम पर्सनल लाइफ्स में अप्लाई करें तो सिंपली एक तरीका है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं अगर हम अपनी जिंदगी इस तरीके से लिव करते हैं दैट वी आर अकाउंटेबल टू पीपल फॉर आर एक्शंस मतलब मैंने उठाया और मैंने इधर uh, कूड़ा डाल दिया इधर ये कर दिया उधर वो कर दिया आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स माई सराउंडिंग्स पीपल विल नॉट लाइक मी इन द लॉन्ग रन मेरे लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा ठीक है इफ़ आई एम ऑनेस्ट इन माई अप्रोच इफ आई एम अकाउंटेबल इफ आई एम ट्रांसपेरेंट अगर मैं एथिकल प्रैक्टिस करती हूँ अपनी लाइफ में तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन इट विल बी ईजी फॉर मी टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल एज एन वेन नीडेड तो वैसे ही बिजनेसेस के लिए भी बोला गया भाई आपको फाइनेंस चाहिए होगा आपको फाइनेंस मिलेगा आपको गवर्नमेंट चाहिए होगा आपको गवर्नमेंट मिलेगी आपको लोग चाहिए होंगे आपको लोग मिलेंगे आपको इम्प्लाइज चाहिए होंगे आपको इम्प्लाइज मिलेंगे जो भी चाहिए होगा आपको वो मिलेगा बट इफ इफ

थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा इनफैक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है ना एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हर एक चीज़ पता होगी मैं जो भी आपको बताऊंगी आपको लगेगा कि अरे हाँ मैम ये तो ऑब्वियस है एक्सेप्ट फॉर फ्यू पार्ट्स की हाँ ठीक है वो नया नया सा सुन रहे हो बाकी मोस्टली चीज़ें आपके लिए क्या होंगी ऑब्वियस होंगी बट सवाल यही उठता है कि एग्जामिनेशन में हमको नंबर चाहिए तो एग्जाम में नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा एग्जाम में नंबर के लिए हैव टू लर्न राइट मैं कुछ चीजें लिखवा भी रही हूँ कुछ चीजें मैं हाईलाइट भी करवाती जाऊंगी एंड देन ऑफकोर्स यू हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स तो ये डेफिनेशन भी उनमें से एक है कई बार क्या होता है आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि हाउ कॉर्पोरेट हैज बीन डिफाइंड बाय एड्रीन कैडबरी राइट सो नाउ यू हैव टू नो कि भाई उनके किस तरीके से डिफाइन किया गया था ऑल्दो ये चांसेस कम हैं और मैं ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूं अगर पर्सनली मुझे पेपर बनाना हो तो मैं तो ऐसी चीजें कभी भी नहीं पूछू बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट हैव टू हैगा राइट इट डज नॉट टेस्ट योर नॉलेज बट ठीक है तो क्या है कॉरपोरेट गवर्नेंस नोबेल लॉरियट देखो सी जी इज द कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे आप बिजनेस करते हो इन अकॉर्डेंस विथ शेयर होल्डर डिजायर मतलब शेयर होल्डर के हिसाब से आप बिजनेस करते हो मतलब विच जनरली मीन्स टू मेक मोर मनी शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट क्या होता है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ मैंने कहीं पैसे लगाए तो मैं चाहूंगी ना ज्यादा से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले बट वाई कंट्रीब्यूटिंग टू द बेसिस रूल ऑफ सोसाइटी एम्बॉडीड इन लॉ एंड लोकल कस्टम्स मतलब यहाँ पे इन्होंने फोकस किया नॉट जस्ट टू अदर एथिक्स और अदर प्रिंसिपल्स बट वॉट इज एम्बॉडीड इन लॉ मतलब जो लॉ और लोकल कस्टम्स बोल रहे हैं उसको तोड़े बिना काम करना इन द पॉसिबल मैनर जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको ठीक है एड्रियन कैडबरी ये बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है इट हैज टू डू विथ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी हु एक्सरसाइज इन बिहाफ एंड हाउ कौन किसके बिहाफ पे काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है दिस वी विल आल्सो बी एबल टू रिलेट विद थ्योरीज अभी हम जब पढ़ेंगे तो ठीक है नारायण मूर्ति कमिटी इन्होंने भी एक जबरदस्त डेफिनेशन हमको दी एंड uh, क्या है ये सी जी इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉन एलिनेबल राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज ट्रू ओनर्स Non -ill illegal, alien मतलब है? Alien मतलब मतलब क्या क्या होता होता है 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 जो हो हो सकती है. Shareholders की rights, transfer नहीं हो सकती की नहीं हम ऐसा मानते हैं वही है. उनका अधिकार उन्हीं का है. आप अधिकार ट्रांसफर नहीं कर सकते हो इट इज अबाउट कमिटमेंट ऑफ वैल्यूज एथिकल बिजनेस कंडक्ट एंड डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन पर्सनल एंड कॉर्पोरेट फंड इसका मतलब क्या है मैम इसका मतलब मैं आपको सीधे ले चलती हूं पहले कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी है उसमें आपको इसका मतलब और उसका मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा थ्योरीज कॉरपोरेट थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड मैनेजमेंट ठीक है इसमें सबसे पहली थ्योरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करते हैं एजेंसी थ्योरी ठीक है एजेंसी थ्योरी ओके okay. एजेंसी क्या होती है एजेंसी में दो पार्टीज होती हैं कि नहीं एक होती है प्रिंसिपल और एक होता है हमारा एजेंट है ना प्रिंसिपल और एक होता है हमारा एजेंट यहां पे हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे क्या है शेयर होल्डर्स और एजेंट्स हमारे कौन हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब इसमें क्या होता है एजेंट को हायर किया जाता है प्रिंसिपल इस एजेंट को हायर करती है या अपॉइंट करती है राइट right? और इनको डायरेक्ट करती है डायरेक्ट टू परफॉर्म सर्टेन वर्क है ना कि आप कुछ काम करो अब ये जो हमारे एजेंट्स हैं ये जो हमारे एजेंट्स हैं इनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये सही डिसीशन लें क्योंकि इनको हमने अपॉइंट किया है इनको हमने डायरेक्ट किया है एजेंसी में ऐसे ही होता है ना हमने एजेंट अपॉइंट किया एजेंट को बोला भाई ये काम करा दो तो उसको वैसे ही वो काम कराना है जिस हिसाब से हमने बोला है राइट सो ही टू मेक अ लॉट ऑफ हैज टू वर्क इन अ लॉट ऑफ मैनर बट ऑफकोर्स विद इन The responsibility within the powers that have been assigned to them, कुछ पावर्स उनको कंपनी लॉ ने भी दी हुई है भाई हमने कंपनी लॉ भी तो हम सब इनकॉरपोरेट कर करके इसको पढ़ते ही हैं पढ़ते हैं बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वाइडर टर्म व्हिच एक्सटेंड्स वे बियॉन्ड कंपनी लॉ एंड वे बियॉन्ड कंपनीज आल्सो हर कॉर्पोरेट्स में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरी लगा रहे हैं है ना अब होता क्या है एजेंट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं कि वो अपने फायदे के बारे में सोचने लगे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है जैसे मान लो अगर उसके पास इतना फंड है वो सोचे यार एक काम करते हैं इस फंड को चलो एक न्यू ईयर की पार्टी कर लेते हैं इतना फंड हम इस रिफ्रेशमेंट्स में डाल देंगे उससे क्या हो रहा है न्यू ईयर की पार्टी हो रही है हमने अपने गेस्ट वगैरह सबको वहां पे बुला लिया और हम पार्टी कर रहे हैं एक काम करते हैं ये मीटिंग ना यहां नहीं रखते हैं। मीटिंग ना वहां रखते हैं वहां पे मीटिंग जाएंगे हम घूम फिर के आएंगे फैमिली को लेकर सो so, आपने जो कॉरपोरेट फंड है और पर्सनल फंड है कहीं ना कहीं उसकी मिक्सिंग कर दी कहीं ना कहीं उसकी मिक्सिंग कर दी राइट सो यू मे फॉल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर प्रिंसिपल दैट इज योर शेयर होल्डर्स राइट एजेंसी थ्योरी इज ऑल अबाउट सेपरेशन ओनरशिप किसी और के पास है और कंट्रोल किसी और के पास है मैं बोल सकती हूं यहां पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल राइट अब आते हैं वापस इस पर Directors are considered to be agents of shareholders and are supposed to run the company for the best interest of shareholders. बस इतनी सी ही बात है मैंने आपको थोड़ा elaborate करके of course समझाई है ताकि आपके दिमाग में इतनी बात बैठेगी तो आप इतना लिख पाओगे ठीक है तो ये डायरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं एजेंट्स होते हैं और इनको कैसे काम करना होता है शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में क्यों क्योंकि ये इनके प्रिंसिपल है ऐसे डिच नहीं कर सकते इनको अपने कॉर्पोरेट फंड पर्सनल फंड सब चीजों को अलग अलग रखते हुए काम करना होता है इस तरीके से आप नहीं काम कर सकते कि हाँ चलो मेरा फायदा जिसमें है मैं तो बस वही करने वाला हूं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा एजेंसी थ्योरी में ठीक है तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच एक्चुअली कम्स डेलीगेट तो कर दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी बट उसके बाद उसको निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो सोचते हैं कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जो इंक्लूड कर जाता है ना वो बड़ा प्रॉब्लम करता है ठीक है नाउ इसी के साथ हमारी एक और थ्योरी एसोसिएटेड है वो है स्टीवर्डशिप थ्योरी ये क्या है मां ये क्या है ये भी देखते हैं क्या है? अरे स्टीवर्डशिप थ्योरी इसमें कौन है इसमें मैं बोल सकती हूँ इसमें है स्टीवर्ड्स अगेन ये कौन है कंपनी के एग्जीक्यूटिव या टॉप लेवल के जो लोग होते हैं जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं राइट हो वर्क एंड प्रोटेक्ट

सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि मैम ये स्टीवर्ड जो नाम हम सुन रहे हैं मोस्टली वो आप लोगों को पता होगा बट जिनको नहीं पता है मैं उनको भी बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है देखो जैसे हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं ना स्ट्यूर्स जैसे अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो वी कैन कॉल कि स्ट्यूर्ड्स कौन है हमारे केबिन क्रू वाई बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर आस सो जिनकी जॉब होती है ना टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स उसको हम कही कहीं ना कहीं स्ट्यूअर्ड्स बोलते हैं राइट तो स्ट्यूअर्डशिप थ्योरी में क्या है वी हैव एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर्स हु आर वर्किंग और हु आर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स वो प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स तो इनके बीच में भी ये रिलेशनशिप है अब अगेन ऊपर भी तो यही था मैम यहां पे हम उनको एजेंट मान रहे थे यहां पे हम उनको प्रोटेक्टर टाइप का मान रहे हैं स्ट्यूवर्ड मान रहे हैं अगेन आई वुड से एजेंट भी हैं और मैं ये भी कह सकती हूं कि वो ट्रस्टी भी हैं तो एक हमारे पास ट्रस्टीशिप थ्योरी भी आती है ट्रस्टीशिप थ्योरी आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती है बट आपको दी गई है तो मैं उस हिसाब से उसको पढ़ा रही हूं ठीक है तो हमारे पास एक तरीके से ट्रस्टीशिप थ्योरी भी है यहां पे भी हमारे पास कौन है जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या है ट्रस्टी की तरह है उनको इंट्रस्ट किया गया है विद द फंड्स ऑफ द कंपनी कंपनी के फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन की गई है सो दे एक्ट एज द ट्रस्टी स्टीवर्ड्स भी एजेंट स्टीवर्ड्स ट्रस्टी आप कुछ भी समझो एट ऑल टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग डायरेक्टर्स आर रिगार्डेड वॉट इज टू बी डन एंड ड्राइव द पीपल ऑफ द कंपनी राइट दे डिसाइड इज टू बी डन एंड ड्राइव द पीपल ऑफ द कंपनी ये काम कैसे करेंगे ये काम कैसे करेंगे जो उनको असाइन किया गया है ऑब्वियसली वही काम करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे शुड बी मोटिवेटेड मतलब मैम देखो यहां पे स्ट्यूअर्टिप थ्योरी में कहीं ना कहीं ये एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं आप समझो और अगर ये एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं तो हाउ दे विल बी मोटिवेटेड इनको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा तो दे विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड कि भाई हमको निकाल दिया जाएगा अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे जैसे होता है ना कि अगर आप गए हो तो वहां पे स्ट्यूअर्स हैं वो आर प्रोटेक्टिंग वो आर टेकिंग केयर अगर उनकी कंप्लेन हो जाएगी तो निकाल दिए जाएंगे तो वो और अच्छे से मोटिवेटेड तरीके से काम करते हैं सेम गोज ऑन योर एज वेल राइट सो यहां पे भी फोकस वही है भाई शेयर होल्डर्स को ही अल्टीमेटली खुश करना है बट ठीक है तीसरा हमारा आता है ट्रस्टीशिप थ्योरी डायरेक्टर्स द अथॉरिटी टू रन द बिज़नेस। ट्रस्टीशिप थ्योरी की अगर मैं बात करूं ना तो आइडियली ये महात्मा गांधी की एक थ्योरी से इंस्पायर्ड आप समझ सकते हो और वहां पे होता क्या था कि जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनको कही कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए और वो पैसा बाकी लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जस्ट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग तो ट्रस्टीशिप थ्योरी में यही चीज है कहीं ना कहीं कि स्टेक होल्डर्स के पास इतना पैसा है वो पैसा लगाया गया है एक तरीके से ट्रस्ट आप समझ लो डायरेक्टर्स आर द पर्सन जिनको अथॉरिटी दी गई है टू मैनेज दैट ह्यूज सम ऑफ मनी अब ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है अब ये डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पैसा है ये टूवर्ड्स गुड कॉजेस भी पहुंचे ठीक है इसी के साथ जुड़ती है हमारी स्टेक होल्डर थ्योरी स्टेक होल्डर थ्योरी में हम सिर्फ शेयर होल्डर्स को नहीं बोलते हैं, हम बाकी भी स्टेक होल्डर्स को बोलते हैं एंड डायरेक्टर्स को एक बैलेंस मेंटेन करना होता है कि ठीक है हमें अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को खुश करना है बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू लुक टूवर्ड्स अदर स्टेक होल्डर्स ठीक है तो कंपनी में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं ये आपको पता है उनके बारे में भी सोचना है तो ये चार थ्योरी पे काम ये चार थ्योरी हमारी क्या है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड मैनेजमेंट मतलब बोर्ड के थ्रू जो चीजें हो रही हैं ठीक है चलो लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन डेफिनेशन खैर हमने डिस्कस कर ही ली है उसके बाद हमने ये देख लिया था नाउ वी हैव टू क्विकली अबाउट दी ऑब्जेक्टिविफिट इन सब में कुछ है नहीं एंड हाउ कारपोरेट गवर्नेंसू पिको इसको जल्दी से फटाफट से रैपअप करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना अनडाउटेडली ये ट्रांसपेरेंसी लेके आना वो तो हमको पता ही है बोर्ड का कॉम्पोजिशन ये बहुत मेजर और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है देखो हमने देखा कि कितनी सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड ही होता है तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके बोर्ड के पैनल में ऐसे लोग हों जो बायस्ड नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचे दे थिंक अबाउट द कंपनी दे थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स सो एवरीवेयर अ लॉट ऑफ एम्फोसिस हैज़ बीन गिवन ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड कि बोर्ड में कौन होना चाहिए भाई एक वुमेन होनी चाहिए कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए ये सारी चीज़ें हमने सेबी लोडर में भी आ, देखते हैं हम एंड वी ऑफ कॉर्स डिस्कस द सेम इन कंपनीज एक्ट ऑल्सो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम तो करना ही करना है ऐसा तोड़ना है कि रिसोर्सेज को हमें वेस्ट करना है ठीक है रिस्क को रिड्यूस करना है थ्रू ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस और ट्रस्ट डेवलप करना है यू हैव टू डेवलप द स्ट्रॉ ट्रस्ट ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है सच्चाई से फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ प्रॉपर टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी देखो कंपनी अगर हर समय बताती रहे तो आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में दिख रही है कि नहीं दिख रही है यू विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी आपके मन में वो सस्पेशन ग्रो ही नहीं करेगा वाई बिकॉज एवरी थिंग इज ट्रांसपेरेंट सस्पेशन कब ग्रो करता है जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती है जैसे मान लो यू आर इन टू अ रिलेशनशिप और कोई मैसेज आता है आप लोग साथ में बैठ के ऐसे मूवी देख रहे हो साम मैसेज काम सप और वो कोई पर्सन छुपाने की कोशिश करे तो वहाँ पर सस्पेशन डेवलप होगा कि नहीं डेवलप होगा बट अगर द थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट मतलब मैसेज आया आपने उठा के भी देखा कि हाँ चलो इट्स अ नॉर्मल मैसेज फ्रॉम साम्बन ओके इट्स कंप्लीटली ओके राइट सो जब आप फैक्ट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हो देथिंग विच इज हार्मफुल ओके सो इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑफकोर्स यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कभी कभी आप हर एक चीज जा जाके स्पेसिफिकली बताओ पता है उसका वो आया था तो लगे कि यार कुछ गड़बड़े क्या तो हर एक चीज हम नहीं बताते हैं बट देर आर प्रॉपर डिस्कलोजर्स विच मस्ट बी मेड प्रूडेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रूडेंट क्या होती है मतलब आप अगर खुद का पैसा लगा होता तो आप कैसे काम करते आप खुद के पैसे को बचाने के लिए क्या करते हैं आप खुद का पैसा होता तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाते तो प्रूडेंट मैनेजमेंट हमेशा होनी चाहिए क्यों क्योंकि इतना सारा हमको पैसा मिल गया कहीं पर भी डाल दो यार इसमें लगा दो चलो चार शेल्स दस खरीद लो इस प्रोजेक्ट में लगा देते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा डूब जाएगा नहीं इंटेलिजेंट knowledgeable and prudent in decision making is something which is very important. और corporate governance वो facilitate करता है Enhancing value of the enterprise. अगर आपको ग्रो करना है तो भाई आपको अपने स्टेक होल्डर्स को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपकी इमेज आपकी रेप्यूटेशन आपकी गुडविल आपके इंप्लॉइज का ट्रस्ट आपके स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट सारी चीजें होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं इन बेटर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी अकाउंटेबिलिटी If you're not accountable, it will not be in the long run. Right? So, you have to be accountable to all the stakeholders, and at the same time, you should innovate also. Okay? तो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ना वो भी इंकरेज करता है कि इनोवेटिव चीजें लाओ क्यों क्योंकि वो बोलता है कि आपको कस्टमर्स के बारे में भी सोचना आपको इंप्लाइज के बारे में भी सोचना आपको सबका भला करना है तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे चलते रहोगे और आप सबका भला कर लोगे नहीं आपको इनोवेशन लेके आना पड़ेगा प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन अगेन यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस नॉट एग्जैक्टली अ बैलेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्सनल और कॉरपोरेट फंड हमारा अलग अलग है ठीक है और कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारा ऊपर से भी रिलेट करता है कि हमारी ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए सो योर बी कॉम्प्रोमाइज आप एक प्रोफेशनल की तरह काम करोगे ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए प्रोफेशनलिज्म हम क्या किसको बोलते हैं जैसे अगर कोई डॉक्टर है एंड इज हाईली प्रोफेशनल डिस्क्लोज थिंग्स मतलब वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा ठीक है और अगर उसको कहीं से ऐसा होता है कि हाँ चलो इस um, हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कोई दूसरे हॉस्पिटल से एक ल्यूक्रेटिव ऑफर आया वहाँ गए वहाँ सारी चीज़ें यहाँ की बता दी नहीं दैट इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म तो अगर आप कहीं पे भी जाते हो कुछ भी करते हो तो यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म दैट इज समथिंग व्हिच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सारे स्टेक होल्डर्स को रिकोगनाइज़ करना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए बिकॉज दे ऑल कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी ठीक है घुमा फिरा के आपको सब में एक ही चीज मिलेगी मैं वही आपको बता रही हूं ठीक है अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो आपको वही मिलेगा फीचर्स देखो आपको वही मिलेगी चीजें बेनिफिट्स देखो अगेन आपको घुमा फिरा के वही चीजें मिलेंगी ठीक है बट एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछा जाता है तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आप इतना समझ लो अब बेनिफिट्स क्या है ग्रोथ के लिए जरूरी है रेप्यूटेशन के लिए जरूरी है ठीक है बेटर यूज ऑफ फंड्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज अगेन बेटर गवर्न इंश्योर्स लॉन्ग टर्म एंड स्टेडी ग्रोथ वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश होता है हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलते हैं एंड अलायसेज विद अदर कंपनीज आर ईजी क्योंकि हर कोई अप्रोच करना चाहेगा आपकी कंपनी को ठीक है तो इस तरीके से याद करना पड़ेगा मैं आपको ना अब ज्यादा फोकस ये रख रही हूँ बिकॉज पहले मैं बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई यूज टू टेक अप इन अ लॉर्ड ऑफ डिटेल्ड मैनर मतलब हमारी आराम से 16-20 घंटे की क्लास चली जाती थी बट नाउ आई हैव रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज इतना कंसेप्ट आप पढ़ोगे तो अल्टीमेटली क्या होता है वॉट इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम में क्या आएगा मैम तो एग्जाम में क्या आएगा उतना हमें समझ में आ जाए उतना हम लिख पाए दैट इज सफिशियंट फॉर आस बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एनी टाइम ह्यूज ठीक है तो पूरा तो हम किसी हाल में कवर नहीं कर सकते चल अब देखो पहले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हुआ नहीं करता था है ना धीरे धीरे नीट समझ में आती है ना लॉ भी तो हमारा पूरा का पूरा ऐसा ही है भाई रोड पे गाड़ी कोई भी कैसे भी चला रहा है जब भिड़े एक्सीडेंट हुआ तो पता लगा नहीं यार एक साइड रोकना चाहिए फिर दूसरे साइड को जाना चाहिए तो हमारा ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक सिग्नल ये सब इवॉल्व हुआ तो वैसे ही हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस का भी इवोल्यूशन कैसे हुआ ये सवाल उठता है कॉरपोरेट गवर्नेंस की इवोल्यूशन के लिए हमारे पास इतने केसेस हैं इनफैक्ट पहले हमारे ये सिलेबस का पार्ट हुआ करता था अब तो है नहीं तो हमें पढ़ना भी नहीं है हर्षद मेहता केस भी आपने सुना होगा सत्यम सत्यम तो भाई एक जबरदस्त वो है बेंचमार्क है उसके बाद तो चीजें बहुत ज्यादा बदल गई एम सी वगैरह सब एक्टिव हो गए बहुत सारी चीजें इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी तो सत्यम वॉज काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू ठीक है वी हैव अ लॉट ऑफ स्कैम्स और बिग फेलियर्स ऑफ कॉर्स एज मैंशन ओवर यर दैट यू कैन सी हर्षद मेहता पे तो आपने एक वेब सीरीज भी देखी होगी अगर जिसने नहीं देखी है तो देखना आइडियली कुछ लोगों को उस तरीके से खर पिक्चराइज किया गया है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं यार हर्षद मेहता वॉज राइट बट ऐसा नहीं है ठीक है दे देवर फेलियर्स दे देर स्कैम्स एंड दे देवर नॉट एथिकली करेक्ट ठीक है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धोखा दिया बट एथिकली सही भी नहीं थे ठीक है सत्यम का स्कैम भी हमारा कुछ ऐसा ही था आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इवन इफ आई हैवेंट इट डजेंट रियली मैटर सो वी हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ कारपोरेट फेलियर्स हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट फेलियर्स दस बीस तीस साल में देखे और जहाँ पे हमें समझ में आया कि भाई एक कंपनी है जिसने इतना ब्रांड नेम डेवलप किया जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं उस कंपनी में लोग पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी के इंप्लॉयिज हैं भाई इतने इंप्लॉयज़ हैं इम्प्लॉयज़ को भी एक झटका लगे कि नहीं रातों रात कंपनी बंद हो गई तो वो बेचारे सौ एम्प्लॉयज भी तो होमलेस हो गए ना मतलब जॉबलेस हो गए राइट सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम सो इत कट बड़ी बड़ी कंपनीज भाई पैसा लगा हुआ है अचानक से फेलियर हुआ क्यों फेलियर हुआ सवाल ये उठता है अगर पहले से ही ये एथिकल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे होते इसकी रिपोर्टिंग दे रहे होते सब चीज़ कर रहे होते दिस वॉज मेड मैंडेटरी फॉर देम तो ऐसी चीज़ें नहीं होती ना देर वॉज नो लॉ ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना आइडियली कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसी हमारी कोई चीज नहीं थी ठीक है कॉर्पोरेट्स को जो ठीक लगे वो करो उस समय में भी अगर मैं बोलूँ तो हमारे बहुत सारे बिग uh, कॉरपोरेट्स ऐसे हैं लाइक आई मैं टाटा ठीक है like करते थे अच्छे प्रैक्टिस भी करने वाले बहुत सारे बिजनेस हाउसेस थे बट इट वॉज नॉट मैंडेटरी और जब मैंडेटरी नहीं होती है चीजें तो लोग करते नहीं है अगर मैंडेटरी होता कि नहीं आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं आपको ये ये रिपोर्टिंग करनी है तो उनको करनी पड़ती लोगों को पता चलता आप कहा पैसा लगा रहे हो क्या कर रहे हो आपने ये लिया आप ये नहीं कर सकते हो अगर उनके पैनल में बोला जाता कि नहीं चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए तो चार आते ना वो चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते वो ऐसा काम होने नहीं देते आपका ना स्टेक लगा हुआ था इसलिए आपने ऐसा काम कर लिया क्योंकि आप ही शेयर होल्डर आप ही डायरेक्टर तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया कंपनी के साथ और आपने काम कर लिया ऐसे बट वो नहीं करने देते राइट तो जब बहुत सारा मिसट्रस्ट बहुत सारे फेलियर्स हुए तो दे वॉज नीड फेल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो दैट वी कैन नॉट लीव आर पब्लिक लाइक दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस बी इम्बाइव्ड इन देम ठीक है सो इंस्टेंसेस ऑफ कॉरपोरेट फेलियर्स कुछ बिग फेलियर्स के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं देन राइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं हम भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं हम रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं हम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ठीक है रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए बिकॉज हमारे लिए वो छोटा सा पैसा भी बहुत कीमती है यार और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को तो अच्छी खासी नॉलेज चाहिए बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज चांस ऑफ मनी तो दे ऑल नीड इंफॉर्मेशन ठीक है

ठीक है एंड अगर आप रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करते हो तो इट बिकम्स अ वाइटल डिसएडवांटेज इन एसेसमेंट ऑफ गवर्नेंस लेवल अभी हम रेटिंग्स के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे रेटिंग्स के बारे में जैसे स्कूल में जाते थे ना स्कूल में जाते हैं तो ग्रेड्स मिलते हैं कि नहीं स्पीकिंग स्किल्स आपकी ए प्लस राइटिंग स्किल्स बी प्लस तो दिस इज द ग्रेडिंग दैट वी गेट वैसे ही हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स भी होती है तो आपका गवर्नेंस लेवल एसेस किया जाता है जैसे हम लोन लेते हैं तो हमारा सिबिल बनता है ना तो उसके बेसिस पे बाकी कंपनीज हमको लोन देती हैं मतलब बाकी अगर हम जाएंगे बैंक के पास लोन लेने तो हमारा सिबिल चेक करते हैं कि क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अगर ये किसी से पैसे लेती है तो क्या ये पैसे वापस करती है टाइमली या नहीं करती है अगर पैसे टाइमली वापस करती है तब तो ठीक है भाई अगर नहीं करती है तो भाई हम कैसे इसको पैसे दे दे तो वैसे ही गवर्नेंस लेवल कितना है आपकी रेटिंग कितनी है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट उसको देख के स्टेक होल्डर्स आर अट्रैक्टेड टू द कंपनी और दे गेट डिस्कनेक्टेड तो डिसकनेक्ट इज ऑफकोर्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस एबनॉर्मल वोलाटिलिटी इन शेयर प्राइसेस शेयर प्राइसेस अगर आपके स्टेबल नहीं होते हैं ना तो डाउट होता है भाई कुछ तो गड़बड़ है कंपनी या तो ठीक से मैनेज नहीं हो रही है राइट सो दे ऑल वांट टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी इट डज नॉट गिव अ वेरी गुड इमेज राइट सो दिस इज हाउ आर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज इवॉल्व इन शॉर्ट ठीक है तो अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से हम क्वेश्चन देखें तो अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन बन गए भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिमिलर टू एथिक्स इज इट सिमिलर टू मैनेजमेंट वट आर द ऑब्जेक्टिवस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉट आर द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हाउ इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इवाल्व्ड एंड थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू बोर्ड मैनेजमेंट इतने क्वेश्चंस अभी तक हमारे बन गए और आराम से आप समझ लो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं सबके सब आ सकते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि ये नहीं आएगा एकदम आराम से आएगा ठीक है समझ में आई बात चलो आगे बढ़े अब हमारे पास है कैडबरी सॉरी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस या कोड्स इन इंडिया बहुत सारी कमिटीज सेटअप हुई जिसमें से तीन कमिटीज को हम इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं बट यहाँ पे चार भी हुई हैं मैम कैडबरी कमिटी हमारी इंडिया की कमिटी ही नहीं है राहुल बजाज कमिटी के आर चंद्रात्री कमिटी एंड कुमार मंगलम बिरला कमिटी ठीक है तो ये तीन कमिटीज ऑल दो वी हैव मोर कमिटीज ऑल्सो बट हमें जो हमारे करिकुलम का पार्ट है हम वो डिस्कस कर रहे हैं कैडबरी कमिटी से इंस्पायर हो के बाकी चीज़ें हैं हमारी एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशडबरी कमिटी वी हैव सम इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन विच वजेस्टेड बाई द कमिटी स्टैब्लिश इन इंडिया कमिटी होता क्या है कमिटी और कुछ नहीं होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है देखो जब भी गवर्नमेंट के सामने कोई चैलेंज आता है ना इनफैक्ट कोई बिल भी आता है अगर उसको पास करना है अगर लगता है कि नहीं कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ ये लॉ बनना चाहिए वो लॉ बनना चाहिए ऐसा इसमें मैंडेटरी होना चाहिए सेबी लोडर ये वो सब चीज़ें हैं सबसे पहले क्या होता है, कमेटी बना दो एक ग्रुप ऑफ पीपल को बनाओ जिनके पास अच्छी नॉलेज हो जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो लेट देम स्टडी लेट देम इवेल्युएट एंड लेट देम ब्रिंग देयर रिकमेंडेशंस उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम देखेंगे हमको किसको एडिट करना है किसको नहीं करना है किसको एज इट इज फॉलो करना है किसको अप्लाई करना है किसको नहीं करना है किसको होल्ड पे डालना है ऐसा हम देखेंगे ठीक है तो कमिटी कोई बहुत हेवी सा टर्म नहीं है बहुत सारी कमिटीज सेटअप हुई है ऑन डिजायरेबल कॉरपोरेट गवर्नेंस मतलब हमारी कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए ने ये सेटअप की थी एड्रियन कैडबरी कमिटी बोलो या कैडबरी कमिटी बोलो इट्स द सेम थिंग और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए ठीक है उसके बाद कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री मतलब CII जिसको हम बोलते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या किया एक एक्चुअली टास्क फोर्स स्टैब्लिश किया एक कमिटी बनाई विच वॉज हेडेड बाई मिस्टर राहुल बजाज राहुल बजाज क्या चेयरमैन एम ऑफ बजाज हमें पता है राइट right? एंड ही वॉज पासयरमैन ऑल्स ऑफ सी आई आई वो सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम कैडबरी कमिटी तो काफी चीजें वहां से इंस्पायर होगी इन्होंने रिकमेंड की ठीक है फिर फर्दर हमारे पास और कमिटीज थी फर्दर हमारे पास रिकमेंडेशन थे फर्दर, फर्दर और कमिटी फर्दर रिकमेंडेशन ठीक है तो क्या मैम ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है अनडाउटेडली ये yes. कमिटी के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो कमिटी के बारे में हमसे रिकमेंडेशन ही पूछा जाएगा कि ये वाली कमिटी क्या रिकमेंड करती है आज के टाइम की अगर बात करूँ ये सारी चीज़ें ऑप्सीट है देखो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एक तरीके से कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्यों क्योंकि आज के टाइम में भाई एक कमिटी बनी इतने साल पहले उसने कुछ रिकमेंड किया हमारे एम्बाइव हो गया उनके बेसिस पे कुछ और एडिशन हुआ कुछ डिलीशन हुआ कुछ और कमिटी बनी कुछ रिकम आज के टाइम का लॉ तो हम पढ़ ही रहे हैं ना देर आर समिस इन कंपनीज एक्ट सम इन सेबी लोडर सम इन सेबी रेगुलेशन अदर लॉज ठीक है बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इम्बाइव हो चुकी हैं यहां से ये मैंडेटरी कर दिया गया जैसे जैसे कैडबरी कमिटी के रिकमेंडेशन्स के स्टार्ट से बात करें तो यहाँ पे था कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए आज के टाइम में अगर हम अपने कंपनी लॉ की बात करते हैं सेक्शन 177 में ऑडिट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है एंड इट्स नॉट जस्ट लिस्टेड कंपनीज हैव टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमिटी बट अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज आल्सो तो हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है वी आर समहाउ डिस्कसिंग द हिस्ट्री कि भाई कैडबरी कमेटी बनी गई थी और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिए ठीक है ऐसे ही हमें चार कमेटी के बारे में पढ़ना है चार के रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ना है वॉट इज करेंटली हैपनिंग दैट इज समथिंग जो आपको अलग से पता है ओके okay. तो इनका रिकमेंडेशन पहला क्या था कि लिस्टेड कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और इसका डिस्क्लोजर एनुअल रिपोर्ट में होना चाहिए

should attend meeting of audit committee. इनका पूरा का पूरा फोकस आप देखो चार रिकमेंडेशन हम पढ़ रहे हैं चारों के चारों किस पे पढ़ रहे हैं ऑडिट कमेटी पे क्या और कोई रिकमेंडेशन नहीं था, था मैम हमको पढ़ना नहीं है ठीक है बट इनका मेन फोकस ऑडिट कमेटी ही था ऑडिट कमेटी को डिस्कस करना चाहिए क्या हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट है ठीक है अगर एक से ज्यादा ऑडिट फॉर्म एंगेज है कभी कभी ज्वाइंट एंगेजमेंट होती है तो कैसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं ठीक है रिव्यू करना ऑडिट ऑडिट इंगेजमेंट लेटर ऑडिटर के रिकमेंडेशन को कैसे डील कर रहे हैं हाफ ईयरली एनुअल स्टेटमेंट्स बोर्ड के पास जाने से पहले कमिटी के पास जाए वो इसको रिव्यू करे ठीक है कमिटी के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अगर कोई भी रेफरेंस है या कुछ भी बात है तो उस पर इन्वेस्टिगेट कर पाए एंड इसका चेयरमैन शुड बी अवेलेबल एट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी To create accountability. Chairman of Audit Committee should be available to answer at HA. Okay. Our audit committee should discuss scope involved up to review half-yearly and annual financial statements. ये सारी की सारी चीजें हैं है हमारी ठीक है सो दिस इज अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ कैडबरी कॉमेटी अब इससे इंस्पायर होके जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास कौन आई राहुल बजाज कॉमेटी ठीक है अब इन्होंने क्या किया इन्होंने कुछ चीजों को बदला ओनली लिस्टेड कंपनी विद टर्न ओवर ऑफ हंड्रेड करोन्स एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ट्वेंटी करोन्स विच एवर इज लेस शुड ऑडिट कमिटी विद इन टू ईयर्स ठीक है ऑब्वियसली फ्रॉम द डेट इट रीच द थ्रेश होल्ड लिमिट मतलब अगर आज आपने टर्न ओवर की लिमिट क्रॉस की है तो आप दो साल के अंदर अंदर आपको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेनी चाहिए तो यहाँ पे अभी और ब्रॉड चीजें बोली गई वहां पे सारी लिस्टेड कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया गया यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया या उनका रिकमेंड किया गया ठीक है देन ऑडिट कमेटी शुड असिस्ट बोर्ड फॉर इफेक्टिव सुपरविजन ठीक है कमिटी शुड इंटरैक्ट विद बुद्धि ऑडिटर्स ठीक है मैम सिंपल तो इनका रिकमेंडेशन किससे इंस्पायर्ड था कैडबरी कमिटी से और कैडबरी कमिटी ने ऑडिट कमिटी की बात की एंड राहुल बजाज कमिटी ने भी अपना एम्फेसिस ऑडिट कमिटी के ऊपर रख के रिकमेंड किया कि ऐसी चीजें होनी चाहिए दिस शुड बी मेड मैंडेटरी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं के आर चंद्रात्री कमिटी अब ये क्या है इस कमिटी की अगर हम बात करें तो इट वाज नॉट रियली अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस बट ये भी हमारी कमिटी बनी थी विद रिस्पेक्ट टू द कॉरपोरेट सेक्टर एंड ऑल दैट ओनली एंड क्रेडिट रेटिंग वगैरह अभी जब हम पढ़ेंगे और सिक्योरिटी uh, तो कुछ चीज़ें ना अलग थी मतलब इस कमेटी में कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसी चीज़ें थी नहीं और कॉरपोरेट गवर्नेंस के टॉपिक पे कमी हम इस कमेटी की uh, चर्चा करते भी नहीं वी डो नॉट डिस्कस अबाउट दिस कमेटी मोस्टली इन कॉरपोरेट गवर्नेंस टॉपिक बट हाउ ए इट हैज़ बीन गिवन एंड इट हैज़ बीन ऑल्सो क्लियरिफाइड कि दिस वॉज नॉट ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस पर फिर भी इसमें ऑडिट कमेटी का कुछ इनकॉर्पोरेट uh, किया गया था एंड वी हैड वन ऑफ द रिप्यूटेड एक्सपर्ट सो विल सी कि क्या था कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस विच हैव बीन एक्सेप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड अब देखो लिखा है इनकॉर्पोरेटेड इन रीसेंट अमेंडमेंट इन कंपनीज एक्ट 1956 है भगवान कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुए जमाना हो गया उसमें रिसेंट अमेंडमेंट आए हुए और जमाना हो गया तो मैं बोल रही हूं ना कि कंपेयर मत करना कि आज के टाइम में क्या है बट ठीक है रिकमेंडेशन हम देखते हैं इन्होंने बोला कि कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल पांच करोड़ है उनके पास ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए ठीक है ऑडिटर अकाउंट्स ऑफिसर इंटरनल ऑडिटर और जो डायरेक्टर है इंचार्ज ऑफ फाइनेंस ये सब अटेंड करेंगे पर वोट नहीं करेंगे मतलब इनको नॉलेज हो ऑफकोर्स वोट करने का हक सिर्फ मीटिंग वो कमिटी के मेंबर्स को होता है इन लोगों को अधिकार नहीं होगा कि ये मैटर्स में इंक्लूड करें बट देव द राइट टू डिस्कस देव द राइट टू बी ए पार्ट ऑफ इट ठीक है शाल पार्टिसिपेट ऑडिट कमिटी ऑडिटर के साथ पीरियोडिकली डिस्कशन करेगी विद रिस्पेक्ट टू स्कोप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू एंड हैली एंड एंडवल बिफोर सबमिशन टू बोर्ड ठीक है ऑडिट कमिटी के पास अथॉरिटी होगी टू इन्वेस्टिगेट देखो ये एग्जैक्टली exactly रेप्लिका आपको दिख रहा होगा कैडबरी कमिटी का काफी हद तक है ना तो ऑडिट कमिटी के पास अथॉरिटी होगी कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है इनटू एनी अदर इनटू एनी मैटर अपनी मर्जी से या बोर्ड उनको रेफर करे तो भी उनके पास पूरा एक्सेस होगा इनटू द रिकॉर्ड्स अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इधर ऑन रेफरेंस बाय बोर्ड चेयरमैन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे एजीएम में ताकि वो क्लैरिफिकेशन दे सके एंड पनिशमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर नॉन कम्प्लायस व्हिच इंक्लूड्स इम्प्रेसारमेंट ठीक है तो ये इनके जो रिकमेंडेशन थे उनको माना भी गया था इन इनफैक्ट आर कंपनीज एक्ट वॉज एमेंडेड ऑल्सो बट नाउ वी हैव एन ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग्स ठीक है ओके नाउ कुमार मंगलम बिरला कमिटी कुमार मंगलम बिरला कमिटी वॉज सेटअप बाई से बी एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस थ्री अलाइक प्रीवियस कमिटीज उसने ऑडिट कमिटी को बेस नहीं माना कॉरपोरेट गवर्नेंस का एंड um, कुछ रिकमेंडेटरी और कुछ मैंडेटरी रिकमेंडेशंस दिए ठीक है नौ रिकमेंडेशन क्या थे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड का हिस्सा नहीं होने चाहिए जैसे होता है ना बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आज के डेट में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉमिनी डायरेक्टर करके प्रोविजन होता है नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है जैसे अगर बैंक ने लोन दिया हमें और हम पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक अपना एक बंदा मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने एक बंदे को भेज सकते हैं टू बी ए पार्ट ऑफ डायरेक्टर तो ऐसी सिचुएशन में अलाउड होता है बट अदरवाइज ये नहीं होने चाहिए ऐसा इनका कहना है ऐसी इनकी एडवाइस है जो इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब आपने पैसा लगाया कंपनी में फाइन बट देन ओनरशिप एंड कंट्रोल इज डिफरेंट ना हम उसको सेग्रीगेट करते हैं ऐसा नहीं है कि आपने इतना पैसा लगा दिया सो यू कम एंड कंट्रोल द कंपनी नो यू हैव इलेक्टेड द डायरेक्टर्स लेट द डायरेक्टर्स रन द कंपनी यू इफ यू वॉन्ट टू रेज अ वॉइस तो आप एज अ शेयर होल्डर ही अपनी आवाज उठाओ आप शेयर होल्डर की कैपेसिटी में जो आपके पास पावर्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करिए आर नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ आर बोर्ड राइट सो रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेज वॉइस एज शेयर होल्डर ओनली हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट पर अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है आउटसाइड डायरेक्टर्स में कंप्राइज ऑफ वन थर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब अगर चेयरमैन हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कम से कम आधा इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो वन थर्ड हो सकते हैं चैप्टर ऑफ डायरेक्टर्स my dear, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए There शुड be absolutely नो प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग executive, नॉन executive ये मैम क्या बोल रही है इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट अब अब नहीं समझाऊंगी मैं ठीक है ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि एकदम वो कहूं कहती हूं ना मैं रट-रट के हमने पढ़ा है डायरेक्टर के बेसिक्स सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेल नाउ कंपनीज जिनका कैपिटल 10 करोड़ है और नेटवर्थ 25 करोड़ है उनको ये गाइडलाइंस इधर करनी पड़ेगी एंड बाकी कंपनीज के लिए थोड़ा डेफर टाइम लिमिट थी वेयर शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ इट एक्चुअली डज नॉट मैटर मतलब ये सब चीजें मैं बोलूंगी ना एकदम ऑप्सिलीट है यार क्या ये पढ़ रहे हैं हम राइट ऑडिट कमिटी शुड बी सेटअप टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डिस्कलोजर्स एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ऑडिट कमिटी में कौन होना चाहिए मिनिमम थ्री नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जिसमें मेजोरिटी इंडिपेंडेंट होंगी एटलीस्ट वन डायरेक्टर के पास फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज होगी और कमिटी एटलीस्ट तीन बार मिलेगी साल में So, इतनी चीजें हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है याद करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा ऑडिट कमिटी को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्यों डिफॉल्ट हुई भाई आपने डिपॉजिटर को पेमेंट क्यों टाइमली नहीं किया डिबेंचर होल्डर का समय से पेमेंट क्यों नहीं हुआ तो वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल डिफॉल्ट बाय कंपनीज रेम्यूनरेशन कमिटी शुड बी सेटअप अब यहां तक तो बात हमने ऑडिट कमिटी और थोड़ा बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करी अब कुछ और चीजें रेम्यूनरेशन कमिटी जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी वूडे जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं तो वो भी इनकी रिकमेंडेशन थी कि वो भी बननी चाहिए ताकि फेयर प्रमोशन हो ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास अच्छे लोग आए राइट इंक्लूडिंग द गुड सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स राइट सो रेम्यूनरेशन कमिटी शुड बी सेट अप एक हमारे पास स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी जो आज एग्जिस्ट करती है इनका रिकमेंडेशन था कि इन्वेस्टर कंप्लेन सुनने के लिए भी एक कमिटी बननी चाहिए ठीक है और इनका जो चेयरमैन हो वो, वो भी एजीएम पे प्रेजेंट हो शेयर होल्डर की क्वेरी आंसर करने के लिए ठीक है इन कमिटी के जो मेंबर्स हो द डायरेक्टर्स ऑफ दीज कमिटीज कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ मोर देन टेन कमिटीज एंड के नॉट चेयर मोर देन फाइव कमिटीज मतलब आप पांच कमिटी के चेयरपर्सन हो अब आप सिक्स के नहीं बन सकते आप दस कमिटी के मेंबर हो अब आप इलेवेंथ के नहीं बन सकते ठीक है तो इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जाए ताकि ये जो भी काम करें थोड़ा सा सीरियसली करें ठीक है हमारी एनुअल रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन हो ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस अब है कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्टिंग अब हम पढ़ेंगे आगे तो नाउ वी हैव टू रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेपरेटली ठीक है जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्स चेयरमैन है उनको ऑफिस एंड एक्सपेंसेस रिम्बर्स करने चाहिए एनुअल रिपोर्ट में डिटेल्स होने चाहिए द क्वालिफिकेशन ऑफ न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड कमिटी ने बहुत सारे वॉलेंटरी रिकमेंडेशंस भी दिए मतलब विच आर नॉट मैंडेटरी वो रिकमेंड कर रहे हैं कि लोग इसको फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करते हैं तो भाई ठीक है कोई बात नहीं तो कुछ मैंडेट नॉन मैंडेटरी भी थे जैसे पोस्टल बैलेट आज के टाइम में है मैंडेटरी है पोस्टल बैलेट इन सर्टेन केसेस तो ये सारी पुरानी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है हमारा लॉ विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इम्बाइट ठीक है चल आई थिंक सो फार थिंग्स आर क्लियर ओके